Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. Today we are going to make a very important announcement regarding HCS exam, Haryana Public Service Commission. उनकी एक नोटिफिकेशन आई हुई है, ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि पिछले साल की जो प्रीलिम्स हुई थी सितंबर महीने के अंदर 2021 के अंदर, सितंबर महीने के अंदर जो प्रीलिम्स हुई थी और वहाँ पे कुछ माल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन के कारण वो एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा था, उसी 2021 की नोटिफिकेशन की प्रीलिम्स दोबारा 2022 के अंदर होंगी। तो 2022 के अंदर जो प्रीलिम्स होना था या एचसीएस का एग्जामिनेशन होना था, कोई फ्रेश नोटिफिकेशन इसके लिए नहीं है, नो फ्रेश नोटिफिकेशन फॉर 2022। द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स, द एग्जिस्टिंग एस्पायरेंट्स या द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस फॉर 2021 जो थी, वही दोबारा 2022 के अंदर पेपर में बैठेंगी 10 जुलाई 2022। ठीक है, हम यहां पे देख सकते हैं कि जो अनाउंसमेंट की गई है, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कमीशन टू कैंसिल द एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 12/9/2021, सितंबर महीने के अंदर जो की गई थी वो कैंसिल होगा। एग्जामिनेशन फॉर द अबव सेड पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन 10th of July 2022। यही एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया था, वही एप्लीकेशन, वही एस्पायरेंट्स, वही कैंडिडेट्स जो 2021 के अंदर प्रीलिम्स में बैठे थे, फॉर्म फिलअप करी थी, वही लोग 2022 के अंदर 22 के अंदर पेपर में बैठेंगे। नो फ्रेश एप्लीकेशंस आर बीइंग इनवाइटेड, ओनली द कैंडिडेट्स हु हैड अर्लियर अप्लाइड इन द रिस्पांस टू एडवर्टाइजमेंट डेटेड वर फाउंड एलिजिबल बाय द कमीशन फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन विल बी एलिजिबल टू अपियर। मतलब कोई फ्रेश या न्यू एप्लीकेशंस आर नॉट इन्वाइटेड, जो एग्जिस्टिंग है उनको ही बुलाया गया है पेपर के लिए। एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन 10th July 2022। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कोई एक मार्क से रह गए, कोई दो मार्क से रह गए, कोई 0.5 से रह गए, क्योंकि कट ऑफ भी ज़्यादा गई थी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स की कट ऑफ भी ज़्यादा गई थी, और बहुत सारे लोगों ने मेंस भी क्वालिफाई किया था। देवर ईगरली वेटिंग फॉर दीज काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो टू मेक अ फेयर प्ले, ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, दे आर वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया स्पेशली, तो एक फ्री एंड फेयर गेम हो, एक फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाए, एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए, तो इसके लिए एग्जिस्टिंग पुरानी जो थी उसे कैंसिल कर दिया गया और दोबारा प्रीलिम्स की जाएगी। तो जो एस्पायरेंट्स जिनके प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे उनके लिए तो बहुत ही गुड न्यूज है, जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर चुके थे और मेंस के लिए बैठना था उन्हें, उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि डू नॉट गेट डीमोरलाइज्ड, ठीक है, आप पढ़ ही रहे थे, तो जस्ट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट पुल अप योर सॉक एंड सेट द बॉल रोलिंग, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा प्रोवाइड एन स्टिमुलेंट टू इट, स्टिमुलस थोड़ा दीजिए ताकि आप, जुलाई ज़्यादा दूर वैसे भी नहीं है, और आप एग्जामिनेशन को अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। और दिमाग को ये चीज़ रखना है कि रिसेंटली ऐसी करप्शन हुई हैं कमीशन के अंदर, तो अब जो एग्जामिनेशन होगी बहुत ही फेयर प्ले होगा, यहाँ पे किसी भी तरह के किसी भी नो इलिसिट प्रैक्टिसेस एट ऑल विल बी डन इन द कमीशन, ठीक है। तो डिमोरलाइज ना हो, अच्छे से तैयारी करें, आप तैयारी ऑलरेडी कर रहे होते हैं, ऑलरेडी आपकी तैयारी है, बट यू नीड टू रिवाइज, और साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज अभिमन्यु आईएएस की टेस्ट सीरीज एचसीएस के लिए लोगों ने ली भी थी, उनको फायदा भी हुआ था, जिस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज थी उसी टेस्ट सीरीज उसी पैटर्न पर हमने टेस्ट भी बनाया था, तो लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ था। मेरे पास ऑल भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द टेस्ट सीरीज, तो यस वी ऑलरेडी हैव अ टेस्ट सीरीज फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स भी साथ में आपको कवर कराई जाएंगी, ठीक है। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेस्ट सीरीज के लिंक होगी, आप उस लिंक को विजिट करके हमारे टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।